कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता है। जिस वक्त में नरेंद्र मोदी जी का यहां पर आलीशान भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा था, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उसी वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे तीन बहादुर अफसर शहीद हो गए थे और उनके घर में मातम पसरा हुआ था। घर वाले उनकी लाशों का, उनकी पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। मोदी साहब अपना स्वागत करवा रहे थे। ये देश के अंदर हुआ है। टेलीग्राफ ने लिखा है और किसी की हिम्मत नहीं लिखने की। टेलीग्राफ ने लिखा है कि व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग, क्या है ऐसा। देखिए ये तस्वीर है कल की मोदी साहब की, फूल बरस रहे हैं साहब, पूरी गाड़ी फूल से ढक गई है। और किस तरह से मोदी का स्वागत हुआ, यह स्वागत किस चीज के लिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तीन अफसर हमारे शहीद हो गए। ये तीन अफसर हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह, डीएसपी हिमायू भट्ट और मेजर आशीष। इन तीनों की कहानी मैं आपको बताऊंगा। किसी की 2 महीने की बच्ची थी, किसी की 2 साल की बच्ची है, छोड़कर के चले गए। सपनी शहादत दे दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जिस वक्त में इनके परिवार वाले कर्नल मनप्रीत को तो बताया तक नहीं गया, उसकी पत्नी को, कि उसकी शहादत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। कहा गया कि वो घायल हैं। परिवार वाले लोग जुटने लग गए क्योंकि बता नहीं सकते हैं, अचानक से परिवार में सदमे के कारण ना जाने क्या हो जाए। कर्नल डीएसपी हिमायू भट्ट, ये तस्वीर देखिए आप जरा, डीएसपी हिमायू भट्ट जो है, जो लोग मुसलमानों के नाम पर गालियां देते हैं ना साहब, कि मुसलमान तो गद्दार है, ये है वो है, और कश्मीर के मुसलमान तो पत्थरबाज हैं, ये है वो है, ये कश्मीर के ही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी है ये, और इनके पिताजी भी डीएसपी थे, और इनके पिताजी डीएसपी से आईजी के पद से रिटायर हुए और ये डीएसपी के पद पर भर्ती हुए। 29 साल की उम्र है, 29 साल की उम्र और 2 साल की बच्ची, 2 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची को छोड़कर के हिमायू भट्ट जो है वो चले गए। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, जिस वक्त में हिमायू भट्ट का पिता वो अपने बच्चे को, अपने नौजवान को, अपने बहादुर शहीद को वो पुष्प अर्पित कर रहा है, उसी वक्त में नरेंद्र मोदी फूलों का गुलदस्ता ले रहे हैं। दिल्ली G20 के सफल आयोजन के बाद में पहली दफा बीजेपी कार्यालय पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, पहली खबर। और जम्मू कश्मीर से खबर है कि अनंतनाग में आज कर्नल, मेजर और एक डीएसपी शहीद हो गए हैं, शोक की लहर है। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। ये 2 खबर देखिए आप। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब, पुलवामा का जब हमला हुआ तो उस वक्त कहा जाता है कि वो जो है वो अटैक के समय पर जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर थे। लेकिन कल की खबर की मैं अगर बात करूं, कल की खबर की अगर मैं बात करूं और मैं आपको दिखाऊं, तो ANI की तरफ से 7:13 पर, ANI की तरफ से 7:13 पर ट्वीट आ गया, कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग कर्नल और एक मेजर ने अपनी जान गंवा दी, ऑफिसर 19RR की कमान संभाल रहे थे। और उसके बाद में जो डीएसपी हिमायू भट्ट है, उनकी गोलियां भौजदा लगी थी, खून भौजदा बह गया, उनकी बाद में जो है वो शहादत हो गई। ये 7:13 पर ANI की तरफ से ट्वीट आया और 7:50 पर, करीब करीब 40 मिनट बाद में ANI ट्वीट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए साहब, भव्य स्वागत यहां पर नरेंद्र मोदी जी का किया जा रहा है और मोदी साहब अपनी रेंज रोवर गाड़ी से निकल करके हाथ हिला करके ये कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। और ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के कार्यालय के अंदर पहले ऐसे हाथ बांध करके खड़े हैं राजनाथ सिंह, दूसरे नंबर पर हाथ बांध कर खड़े हैं, यहां पर ये फोटो ब्लर करके लिया हुआ है ताकि सबको एक तस्वीर में समेटा जा सके,
अमित शाह साहब और इसी तरह से बाकी के भाजपा के नेता जो है वो हाथ बांध करके खड़े हुए हैं और मोदी साहब के कैमरे जो है वो इंतजार कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, एक चीज और देखिए, नरेंद्र मोदी नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये है नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल। और अभी अभी जब मैं 11 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सुबह 11 बजे, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक घंटा पहले जो है वो परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जवान शहीद हुए उनके ऊपर श्रद्धांजलि का ट्वीट है या नहीं है इस बात को देखिए। दूसरा ट्वीट उनका 16 घंटे पहले है, देश के परिवार को प्रदूषण मुक्त रसोई सुनिश्चित करना, मतलब अपनी सरकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो, कि कैसे हमने सिलेंडर जो है वो आगे कर रहे हैं हम लोग, सिलेंडर जो है वो धुआं मुक्त सिलेंडर के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और ट्वीट है इनका, और अर्जुन मेघवाल ने जो है वो कुछ ट्वीट किया उसको लेकर के ट्वीट है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 16 घंटे पहले कल शाम का ही ट्वीट है। दोनों राज्यों को चौतरफा विकास के लिए केंद्र की सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है, मतलब कि आज जो है नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और जो है वो छत्तीसगढ़ में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे उसकी जानकारी दे रहे थे। कोई ट्वीट जो है उसके लिए दिखा आपको अभी तक, ये कोई एडिट नहीं किया मैंने यहां पर, इसीलिए लाइव आपको दिखा रहा हूं। और ये एक ट्वीट है जिसमें केरला के अंदर बीजेपी के एक पदाधिकारी उनका निधन हो गया, उसके बाद में ट्वीट किया गया है, और उसके बाद में फिर जो है वो बाद में 12 तारीख का ट्वीट है, कल 13 तारीख के अंदर और कोई ट्वीट नहीं है। ये नरेंद्र मोदी साहब का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है। इसके बाद अमित शाह जी का देखिए आप, अमित शाह जी ने ट्वीट किया हिंदी दिवस पर 2 घंटे पहले सभी देशवासियों को मेरा संबोधन फला फला बातें कह रहे हैं, ठीक है, हिंदी दिवस की शुभकामना 3 घंटे पहले दे रहे हैं। 14 घंटे पहले जो है वो नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के कार्यालय में पहुंचते हैं तो फूलों की बरसात हो रही है, इस बात को दिखाया जा रहा है। और उससे पहले जो है कुछ और नरेंद्र मोदी सरकार की स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये केरला में पदाधिकारी की निधन हो गया उस पर बात कर रहे हैं, और ये भी जो है वो केरला में निधन हुआ है उसको लेकर के अंग्रेजी में ट्वीट है, उससे पहले जो है वो मलयालम में ट्वीट किया था। तो ये केरला में जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका निधन हो गया है। और ये भी जो है वो राजस्थान के अंदर भरतपुर राजस्थान में एक दुर्घटना हो गई, इसके लिए राजस्थान के ये जो हिंदी के अंदर भी ट्वीट है और दूसरी भाषा में भी ट्वीट है, तो ये दोनों भाषाओं में जो है यहाँ पर ट्वीट है। और इंडिया को जो है बधाई दे रहे 11 तारीख का वो ट्वीट है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हाथों से हमारे 3 जवान शहीद हो गए उसको लेकर ट्वीट है, नहीं है। इसके बाद में राजनाथ सिंह को देखिए आप, राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस की बधाई दी है। भरतपुर में जो हादसा हुआ उसको लेकर के उन्होंने दुख जताया है राजनाथ सिंह। फिर उसके बाद में 12 तारीख का ट्वीट है और कोई ट्वीट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से ट्वीट नहीं आता है, और यहां पर हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, यहां पर जो है वो फोटो खिंचवाई जा रही है, यहां पर जो है फूलों की बरसात हो रही है। एक एक करके मैं सारी चीज आपको दिखाऊंगा। और ये जो खबर आई है 7/13 पर आई है, इससे पहले एक और खबर आ चुकी थी कल की तारीख में, देख लीजिए आप, ये कल की तारीख में एक और खबर आ गई थी, ये भी देखिए, ये खबर आ चुकी थी 6:18 पर, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को तो इससे पहले सूचना मिल जाती होगी। ये खबरों में आ रही है केवल वो टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूं, खबरों में पता चल रहा है 7 बजे और करीब 8 बजे नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं। 1 घंटा था ना नरेंद्र मोदी जी के पास में, इस कार्यक्रम को सिंपल तरीके से भी किया जा सकता था। भाजपा का कार्यक्रम है G20 को लेकर के, वैसे तो अगर कार्यक्रम होना था तो उसमें भाजपा के कार्यालय में क्यों करवाया गया, वो विज्ञान भवन में कहीं और करवाया जाता उसको, और ये सिंपल तरीके से भी करवाया जा सकता था, एक दिन बाद भी करवाया जा सकता था। दूसरी और खबर देख लीजिए आप, 6:18 पर, यानी नरेंद्र मोदी जब पहुंचते उससे 2 घंटे पहले खबर आती है कि इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे भारतीय सेना का कुत्ता केंट और उसका हैंडलर कर रहे थे। उस जब केंट आतंकियों की लोकेशन के काफी करीब आ गया था तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस ऑपरेशन के दौरान सैनिक केंट, 3 सैनिक और एक अन्य को चोट आई। एक सैनिक रवि कुमार की चोटों के बाद खून की कमी के कारण मृत्यु हो गई। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। राजौरी मुठभेड़ पर भारतीय सेना के ब्रिगेड सोमित पटनायक इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ये ANI का ट्वीट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और ये देख लीजिए आप, ये देखिए, हुमायूं भट्ट
अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में डीएसपी हिमायू भट्ट मुजलिम भट्ट शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे। हिमायू की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी और यह खबर है 11:38 की रात 11:30 की 12 बजे की तस्वीर है जब हिमायू भट्ट को जो है उसके परिवार वालों ने कंधा दिया है और उस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब जो है वो चमचमाती गाड़ी से उतरते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी से उतरते हैं और उतर करके वहां पर फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। ये हालत है साहब, क्या कहेंगे इसको आप? इस तस्वीर को जो है वो कभी देश सहन कर पाएगा? और बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर जो है इसको कभी देश सहन कर पाएगा कि एक तरफ जो है हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, एक तरफ हमारे देखिए 29 साल का नौजवान है, 2 महीने की बेटी को छोड़ करके चला गया और इसके पिता जो है इसके पिता संभाल नहीं पाए, कर्नल मनप्रीत सिंह, आशीष धोनक और हिमायू भट्ट और राइफलमैन रवि कुमार। तो ये टेलीग्राफ ने केवल कहा कि किस क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और किसी की हिम्मत नहीं है। अब कुछ ट्वीट मैं आपको और दिखाता हूं। ये तो सबसे पहले आप जो है यहां पर वीडियो देखते रहिए नरेंद्र मोदी का किस तरह से चकाचौंध से यहां पर देखिए जरा, ये वहां पर इनका स्वागत किया जा रहा है और अब मैं आपको पूरी कहानी एक एक करके जो है वो बताता हूं। कर्नल ये पंचकुला के रहने वाले थे, कर्नल मनप्रीत सिंह, ठीक है, और कर्नल मनप्रीत जो है वो उनके आवास पर उनकी धर्मपत्नी जगमीत ग्रेवाल, बहन, जीजा सब मौजूद हैं। पत्नी जगमीत ग्रेवाल को अभी तक कर्नल मनप्रीत की शहादत की जानकारी नहीं दी गई है। उनकी पत्नी को अभी इतना ही बताया गया है कि वो घायल हो गए हैं। परिवार बताने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, ऐसा माहौल है और ये साहब यहां पर जो है वो लंबा चौड़ा हाथ करके जो है वो जय हो जय हो जय हो मोदी करवा रहे हैं। दूसरा सुनिए, ये पंचकुला के रहने वाले हरियाणा के ही 2 जवान थे, ये इसे अफसर हैं दोनों, पहले पंचकुला के रहने वाले कर्नल मनप्रीत और पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी और घर में जो है परिवार में मातम का माहौल है, घर में पड़ोसी रिश्तेदारों का पहुंचना शुरू हो गया। ये कल की खबर मैं आपको बता रहा हूं। और आशीष धोनक जो है वो 3 भाई बहनों के अंदर इकलौते भाई थे, 3 बहनों में इकलौते भाई थे। मेजर आशीष की 2 साल पहले जम्मू कश्मीर 2 साल पहले मेरठ से जम्मू कश्मीर के अंदर पोस्टिंग हुई थी, पहले मेरठ के अंदर थे वो। और मेजर आशीष की 2 साल की बच्ची है जिसके वो पिता है, 2 साल की बच्ची है केवल। कोई समझेगा इस दर्द को, ये दर्द क्या होता है? दूसरा देखिए आप, ये है डीएसपी हिमायू भट्ट, उनके पिता 2 महीने की बेटी को छोड़ करके चले गए। 2 महीने की बेटी क्या होती है साहब? 2 महीने की बेटी जो आई वो बोलना भी नहीं सीखती है, उसकी आवाज भी नहीं आ पाती है, उसको छोड़ करके चले गए। अधिकारियों ने बताया कि डीएसपी हिमायू भट्ट की 2 महीने की बेटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड आईजी गुलाम हसन के बेटे हिमायू भट्ट को बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से नहीं बचाया जा सका। ये उनके पिता है, गुलाम हसन भट्ट है इनका नाम। और जो लोग कहते मुसलमान तो गद्दार हैं, कश्मीर के मुसलमान तो पत्थरबाज हैं, देखिए एक डीआईजी रैंक से, ये डीएसपी से भर्ती हुए थे, डीआईजी रैंक से रिटायर हुए, अपने बेटे को जो है भर्ती कराया, बेटा भी डीएसपी से भर्ती हुआ, ऐसा परिवार, और उस परिवार का बेटा चला गया साहब। ये चल नहीं पा रहे थे, इनको एक अफसर लेकर के आया, क्योंकि कैसे चल पाएगा साहब, कोई कैसे चल सकता है इतने दुख में, कैसे चल पाएगा? देखिए ये अभिनव पांडे ने लिखा है, ये उनके पिता है गुलाम हसन भट्ट और ये बेटा है जिसकी शहादत हो गई है हिमायू भट्ट, और ये यहां पर जो है वो पुष्प चढ़ा रहे और ये अफसर जो है इनको पकड़ करके लाए हैं, ये खुद से चल नहीं पाए, मैंने वीडियो देखी है। पिता गुलाम हसन भट्ट 1984 में जम्मू कश्मीर में डीएसपी बने और आईजी 2018 से रिटायर हो गए। आईजी बनकर के जो है ये रिटायर हुए और 34 साल तक देश की सेवा की, 34 साल तक, वो भी पिता की तरह बड़े अफसर बनते मगर करूर नीति को कुछ और ही मंजूर था। अनंतनाग में 39 साल के बहादुर बेटे की शहादत पर पिता के कंधों का बोझ दुनिया के किसी भी पहाड़ से भारी है। बेटे की शहादत
का जो बोझ होता है पिता के कंधों के ऊपर, वो दुनिया के किसी भी बोझ से भारी है। देखिए ये नरेंद्र मोदी साहब का आलिशान भव्य स्वागत हो रहा है, देखते रहिए इस तस्वीर को, और दूसरी तरफ ये हो रहा है देश के अंदर। इस पर कोई चर्चा कर सकता है मीडिया? अब चर्चा इस बात पर होगी, देखिए बदला लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। अरे वो सारी चीज ठीक है, और हमारी सेना छोड़ेगी थोड़ी ना है। हमारी सेना के 3 जवान गए हैं, छोड़ेगी हमारी सेना? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी साहब, बदला लेंगे हम लोग। लेकिन ये सवाल है कि उस वक्त में आप क्या कर रहे थे, सवाल ये है। सवाल सेना से नहीं है, सेना तो हमारी सक्षम है, सेना बदला लेगी, सेना तो हर जगह बदला लेती है, गलवान में भी बदला लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपने क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा है कि आज जिस समय पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबर आ रही थी, उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते हैं। क्या जरूरत थी इस चीज की? हमारे गांव देहात में अगर कहीं पर कोई अड़ोस पड़ोस के अंदर भी कोई जवान के शहादत की खबर आ जाए, और किसी की शादी भी हो, किसी बहन बेटी की शादी हो, किसी भाई की शादी हो, तो उस शादी को भी बहुत सादगी तरीके से 5 आदमी जाकर के शादी करके आ जाते हैं, या उसी गांव में शादी होती है तो चुपचाप से जो है वो बगैर किसी ढोल बाजे के नगाड़े के फेरे करवा करके भेज दिया जाता है कि हमारे जवान में, पड़ोस के बगल के जवान में जो है वो पड़ोस के गांव में एक जवान शहीद हो गया है, तो ऐसे मत करो। और लोग चुपचाप से मानते हैं, आदर करते हैं उस चीज का कि दुख की घड़ी है, ऐसे में ढोल बजाना उचित नहीं है। लेकिन ये देखिए साहब, गुलदस्ते यहां पर फूल पुष्प लिए जा रहे हैं, नेशनल फोरम ने लिखा है कि मोदी की प्राथमिकताएं, जब पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए तो मोदी जी अपनी पीआर की शूटिंग में व्यस्त थे। आज जब सेना के 3 बड़े अधिकारियों आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए तो मोदी जी और पूरी भाजपा पार्टी जश्न मना रही है। अब पुलवामा का जो था उसमें क्या था क्या नहीं था, उससे तो मोदी का पीछा जो है अभी तक नहीं छूटा है, और कम से कम ये तस्वीरें तो हम अब देख रहे हैं ना। 7 बजे खबर आ गई एनआईए की तरफ से कि जवान शहीद हो गए हैं, और 8 बजे मोदी जाकर के वो अपना जो वो ये करवा रहे हैं। और सुनिए, वरुण चौधरी ने लिखा कि जब पुलवामा हमला था तब भी मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे, आज अनंतनाग हमले के बाद भी उत्सव मना रहे हैं। इनको ना कोई दर्द होता है, ना कोई इनमें भावना है, इनके लिए सब इवेंट है बस। और ये बीजेपी ने देखिए कुछ फोटो यहां पर शेयर की, देखिए थोड़ा और बड़ा करके देखिए, देखिए थोड़ा बड़ा करके देखिए। यहां पर जो है वो नड्डा साहब जो है वो गुलदस्ता दे रहे हैं, यहां पर मोदी जी खड़े होकर के, और यहां पर रोड शो के तरीके से दोनों हाथ ऊपर उठा करके साहब, देखिए ये देखिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर इकट्ठा किया गया है, जश्न मनाया जा रहा है साहब। क्या कहेंगे इस चीज को आप? आगे देखिए, मोदी की फोटो बराबर चलती रहनी चाहिए, मोदी जो है वो कम नहीं होने चाहिए किसी तरीके से भी। ये देखिए रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर के लिखा है कि राष्ट्रवाद व सेना प्रेम की असलियत देश के सामने है। कश्मीर में सेना व पुलिस के 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत के दिन भाजपा का सेलिब्रेशन है। पुलवामा हादसे के दिन भी साहिब शूटिंग में व्यस्त थे और पूरे देश ने देखा भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 रणबांकुरों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश को आपके शौर्य पर गर्व है, परमात्मा उनके परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये सुरजेवाला ने जो है इसको लिखा है। और देखिए अब शकील अख्तर ने लिखा है कि कश्मीर से बुरी खबर आ रही है, दुखद यह है कि उसी समय पर हमारे प्रधानमंत्री अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। कश्मीर में कर्नल, 1 मेजर और 1 DSP शहीद हो गए हैं। कर्नल मेजर का आतंकवाद का शिकार हो जाना कोई साधारण बात नहीं है, कश्मीर की हालात अच्छे नहीं है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सोचिए। कर्नल बहुत बड़ा अफसर होता है साहब, मेजर बहुत बड़ा अफसर होता है, कोई सिपाही शहीद नहीं हुए हैं कि चलिए कोई प्रथम टुकड़ी के अंदर कुछ सिपाही थे और वो शहीद हो गए। कर्नल और मेजर शहीद हो रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? 1 DSP शहीद हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? वहां पर हमारी सेना फ्रंट से लीड कर रही है, वहां पर हमारे बहादुर जवान, हमारे बहादुर अफसर वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और उनकी शहादत हो रही है।
आसान बात नहीं है। इतना बड़ा अफसर अगर यहां पर किसी जो है वो कोई कोई किसी एक अधिकारी को अगर कोई कांग्रेस का एक नेता जाकर के थप्पड़ भी मार दे ना साहब, अगर नोएडा के अंदर कोई एक अधिकारी को जाकर के कोई थप्पड़ भी मार दे तो पूरे दिन भर उसकी खबर चलेगी कि देखिए भाजपा ये कांग्रेस के गुंडों ने क्या कर दिया, कांग्रेस के अंदर अहंकार आ गया, ये हो गया, वो हो गया। और यहां पर तीन तीन जवान, तीन तीन अफसर जो हमारे शहीद हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कोई जिक्र हो रहा है किसी बात की, कहीं पर चर्चा है? आगे सुनिए। आईपी सिंह ने लिखा है कि बेहद दुखद है, देश की शहादत पर मोदी जश्न मना रहे हैं, कश्मीर जाबाज फौजियों के खून से भारत मां लहू लुहान हो गई है, दुख व्यक्त करने की बजाय दिल्ली जश्न में बीजेपी नेता डूबे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी मुठभेड़ के दौरान एक कर्नल, एक मेजर सहित तीन सैन्य अधिकारी शहीद हो गए हैं, हमारी बहनें और बेटियां विधवा हो गई हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, पर मोदी जी जश्न में डूबे हुए हैं। दोबारा सुनिए, हमारी बहनें बेटियां विधवा हो गई हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं और मोदी जी जश्न में डूबे हुए हैं, तथा कथित राष्ट्रवादी मोदी जी सेलिब्रेशन में अति व्यस्त है, भाजपा कार्यालय का जश्न खुली आंखों से देशवासी देख ले। तो देखिए साहब, इसीलिए मैं इस फोटो को नहीं हटा रहा हूं। और ये सारे ट्वीट उस वक्त के हैं जब रात को ये घटना हुई और उसके बाद में मैं भी पूरी रात जो है उसको लेकर के सो नहीं पाया, देखता रहा लोग क्या कह रहे हैं। 12 बजे आदेश रावल ने ट्वीट किया है, लोग नहीं सो पा रहे थे, सच्चाई जिसको पता चल रहा था कि यार ये हो रहा है, दुख हो रहा था लोगों को। आदेश रावल पत्रकार है, इन्होंने लिखा है जम्मू कश्मीर में आज भारत माता के तीन सपूतों ने शहादत दी, दिल्ली में आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुलाबों के फूल से अपनी पार्टी दफ्तर में खुद का स्वागत करवा रहे थे। ये तस्वीरें क्या देश भूल जाएगा कि जिस वक्त में ये हो रहा था उस वक्त में ये हो रहा था? मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं अपनी तरफ से इसीलिए नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि भावनाओं में ना जाने मैं क्या कह बैठूं, और इसीलिए लोगों ने जो कहा केवल बस वो मैंने आपको बताया है। सोचिए जरा, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती और अगर आज दुर्भाग्य से ये हुआ होता तो हमारी मीडिया क्या कह रही होती, किस तरह से तांडव हो रहा होता? और आज एक तथा कथित राष्ट्रवादी सरकार है और उस तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार तो ट्वीट करके श्रद्धांजलि तक नहीं दे रही है। पता नहीं कि नया ट्रेंड हो गई, ये मैं कई खबरें आपको दिखा चुका हूं, पहले भी राजौरी पुंछ के अंदर कई जवान शहीद हुए, ट्वीट करके श्रद्धांजलि नहीं देते नरेंद्र मोदी, आजकल एक नया ट्रेंड उन्होंने स्थापित कर दिया है, जबकि देश का प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देता है, ट्वीट करता है बाकायदा। जब आप भरतपुर के लिए ट्वीट कर सकते हैं कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग वहां पर मर गए, तो उनके लिए आप ट्वीट कर सकते हैं। जब बीजेपी का कोई पदाधिकारी केरल के अंदर वहां पर जो है वो अगर उसका निधन हो जाता है, जहां पर आपकी एक सीट नहीं है, वहां पर आप अपनी राजनीति तलाशते हैं, वहां पर आप ट्वीट करके श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे जवानों का क्या कसूर है? हमारे इन बहादुर अफसरों का क्या कसूर है? और क्या ये शोभा देता है? क्या ये होना चाहिए जो हो रहा है? सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, इन लोगों की कि क्या कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए ताकि और लोग भी पढ़ सकें। जवानों के लिए दो शब्द जरूर लिखिए, हमारी तरफ से इन जवानों के श्रद्धांजलि पूरे ऑनलाइन न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से, और यही उम्मीद करते हैं कि इनके परिवार को जो है वो शक्ति दे, इनका परिवार इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाले, बस और कुछ। धन्यवाद।